मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने पुलिस अधीक्षक मुकुल द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की, जो जवाहर बाग इलाके में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान संघर्ष में मारे गए थे। हेमा मालिनी ने कहा कि तथ्यों की जांच किए बिना मीडिया सहित वे मुझे निशाना बना रहे हैं और मेरी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं। जैसा ही मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत मथुरा पहुंची और अधिकारियों तथा पीड़ितों से मुलाकात की। 2 महीने पहले मैंने मथुरा के जिलाधिकारी राजेश कुमार से अतिक्रमण विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। जाहिर तौर पर प्रशासन और राज्य के राजनीतिक नेताओं की विफलता के कारण हुई। हेमा मालिनी ने कहा कि हिंसा की रिपोर्ट करने और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने की बजाय उन्होंने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया और निर्वाचन क्षेत्र में मेरे काम की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को एहसास नहीं कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, उन्हें इन गंभीर घटनाओं के पीछे के तत्वों की पहचान करने की आवश्यकता है। हेमा मालिनी ने दावा किया है कि उन्हें मथुरा और वृंदावन में बहुत काम किया और दूसरों की तुलना में अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक समय बिताया है। प्लान बनाइए कि आपको कोई आके बोलता तो नहीं है, एजुकेशन करेगा तो ऐसे नहीं चलेगा ना। एक्चुअली क्या चाहिए, मैं हमेशा पूछती रहता हूँ मथुरा में क्या चाहिए, कोई आके बोलता ही नहीं है। बिल्कुल सही, तो बराबर बताओ कि क्या चाहिए, फिर बनेगा ना। अभी हम अभी रिटर्न में दिया, परिक्रमा करा रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद, पर कर रहे हैं। नितिन गडकरी को बोला कि इतना करोड़ों में डाल के हम लोग बना रहे हैं, विश्राम का तो क्या एक एक मिनट बन सकता है ना। लेकिन कोई आप लोग आते नहीं, आप अपने आप अंदर ही बैठ के ये नहीं है वो नहीं है बोलने से थोड़ी होता है। देखिए, जो यहाँ के चतुर्वेदी समाज है और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है उनमें बड़ा असंतोष है। कभी भी बात करो तो ये कहते हैं कि साहब यमुना को लेके कभी भी कोई बात नहीं हो पाती, यमुना को लेके बड़ा असंतोष रहता है। देखिए, यमुना को लेकर मैं भी असंतुष्ट हूँ। पार्लियामेंट में 2-3 बार बात कर चुकी हूँ। दिस इज बियॉन्ड माई हैंड, बट हम लोग फिर भी कर रहे हैं। इसमें कुछ 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। 4 का अभी जल शक्ति मिनिस्टर से बात किया हुआ है, टेंडर हो गया, सारा हो गया, सब काम शुरू हो रहा है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज फ्रॉम दिल्ली से जो नाला आता है उसको बंद करने के लिए हमने मोदी जी से भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, कैसा करना है क्या करके, क्योंकि वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ काम है। वो उन सबसे बात हो रही है, वो सब होगा, बट इट टेक्स टाइम लिटिल बिट। जनता आपकी बड़ी तारीफ करती है और आपको बड़ा निर्विवाद मानती है, लेकिन यमुना पे आके आपके प्रति थोड़ी सी सोच अगर बदल जाती है। वो मैं कौन हूँ, कोई और भी होगा तभी वो कर नहीं सकता है। इट इज़ इन सच अ कंडीशन, इट इज़ सो बैड, बहुत ही खराब है। फिर भी नाला वाला का हम लोग बंद करके देख रहे हैं, बट फिर भी ये यहाँ के लोग जो बोलते हैं कि यहाँ साफ नहीं कराया, ये किया, तो वो उनका भी फर्ज बनता है साफ सफाई रखने का, है ना। तो हम लोग काफ़ी जो करना कर रहे हैं, अभी आगे और कुछ होगा, तो यू हैव टू वेट।